अस्सलाम वालेकुम जी आगा शेराज, और ये टीम बनाने का जो मकसद है कि क्योंकि मेरा ताल्लुक कराची से है और जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ, लॉ शोबेज़ है, कराची शोबेज़ है, पेशावर शोबेज़ है, क्वेटा शोबेज़ है, लेकिन इस्लामाबाद की शोबेज़ की कोई टीम नहीं है। यहाँ पे एंकर्स की टीम है, प्रेस क्लब की टीम है, लेकिन सेलिब्रिटीज़ की कोई टीम नहीं है। तो हमने ये स्टेप उठाया, मैंने, ज़िशान भाई ने, अरबाज़ भाई ने, आसिम भाई हैं हमारे साथ, और हमने फैसला किया कि हम एक टीम बनाते हैं और 11 हंक्स के नाम से ये हमने इस्लामाबाद की एक टीम बनाई है शोबेज़ की। अभी हमने डिफरेंट मैचेस भी खेले हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ही यही था कि लोगों को बता दें कि जी अब हमारी शोबेज़ की टीम एक इस्लामाबाद की बन गई है, क्योंकि काफ़ी लोगों को यहाँ पर शिकायतें थी कि क्रिकेट लोग खेलना चाहते हैं लेकिन टीम्स में, जैसे कराची में सैकड़ों की तादाद में एक्टर्स हैं लेकिन खेलते सिर्फ 11 ही हैं। तो बस उसके बाद ये कारवां इंशाल्लाह ताला रुकेगा नहीं, चलता जाएगा। हमारे वाइस कैप्टन दो बैठे हुए हैं, अरबाज़ भाई और शानी भाई, क्योंकि जब कोई एक नहीं होता है तो और ये थैंक्स टू शानी भाई जिसकी वजह से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। बाकी दुआओं में याद रखें, यू नेवर नो किसकी दुआ लग जाए, क्योंकि यहाँ पे आजकल के हालात ऐसे हो गए हैं कि हर तरफ ही सिर्फ दुख के अलावा हमें कोई नज़र नहीं आ रहा। और इस मौके पे ये एक समझे एक इवेंट हमने क्रिएट किया है, डिफरेंट कंट्रीज़ और अपना सिटीज़ में जाके हम खेलेंगे मैच। बाकी अरबाज़ भाई, हाँ जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो मीडिया का बहुत शुक्रिया जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और उसके बाद शानी भाई का, मेरा तो पहला इत्तेफाक है यहाँ पर आने का। बहुत खूबसूरत ये रिज़ॉर्ट इन्होंने यहाँ पे बनाया है, तो असल में ख़ुद इतने खूबसूरत और ख़ूबसूरत हैं तो यकीनन जो भी उनकी आउटपुट होगी तो वो भी अच्छी होगी। बहरहाल क्रेडिट गोज़ टू आगा शिराज के इस्लामाबाद की एक शोबिज़ टीम उन्होंने बनाई, लॉन्च कर दी। और क्योंकि हमेशा जो है ना, क्योंकि इस्लामाबाद जो है ना वो ज़्यादातर सियासी सरगर्मियों में ज़्यादा मुलव्वस रहा है, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। और ये इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और हम लोगों ने लबैक कहा, तो बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि मुझे लगता है कि हम आर्टिस्ट कुछ अरसा पहले अमूमन कभी ना कभी एक सेट पे, कभी दूसरे सेट पे ड्रामे की रिकॉर्डिंग या टेलीविज़न फिल्म की शूटिंग तो मुलाकात हो जाया करती थी, तो फिर अनफॉर्चुनेटली हालात कुछ ऐसे बने कि शोबिज़ एक्टिविटीज़ कम हो गई, तो अब हम लोगों की ज़्यादातर मुलाकातें जो हैं वो क्रिकेट ग्राउंड में होती है। तो वन वे और दी अदर एक बड़ा वेल मीनिंग है और बड़ा एक हेल्दी एक इनिशिएटिव लिया है, तो हम इंशाल्लाह इसमें डेफिनेटली इनपुट किया है और करते रहेंगे। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे आगा भाई ने कहा कि सबसे पहले लाहौर शोबिज़ इंडस्ट्री, वहाँ से एक टीम डेवलप हुई, मैं उसका हिस्सा था। लेकिन उसके बाद फिर जब ये खेल से निकल कर जब थोड़ी सियासत आ गई गेम में, थोड़ा सा पैसा आ गया, तो फिर वो नफरतें बढ़ना शुरू हो गई और बाय द एंड ऑफ द डे ये हुआ कि वो जो टीम थी वो ख़त्म हो गई। फिर यही सिलसिला कराची के साथ हुआ। अब इतनी ज़्यादा जो है ना वो कदूरते हैं, नफरतें हैं, तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ खुदारा इस गेम को ना, इस टीम को सिर्फ़ एक गेम की हद तक ही रखिएगा, और ये जो मोहब्बतें हम लोग आपस में बाँटते हैं ना, तो मैं चाहता हूँ कि ये सदा ऐसा चलता रहे। तो बाकी आप सबकी दुआएं हमारे साथ हैं, इंशाल्लाह हम जहाँ होंगे आप हमारे साथ होंगे। आमीन, थैंक यू, बहुत अच्छा। एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो हमारी टीम को स्पॉन्सर किया है वो फ्यूमे हाई और न्यूट्राफिट्स वालों ने किया है, यूसुफ और कासिम होते हैं उसमें। मैं बिल्डर्स से भी रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि क्योंकि अभी हमें स्पॉन्सर्स की ज़रूरत है कि जितना हो सकता है कि हम क्योंकि और गवर्नमेंट से भी थोड़ी सी ये रिक्वेस्ट है कि जो एक अभी इस्लामाबाद शोबिज़ की एक टीम बनी है, हमें ग्राउंड एक की अशद ज़रूरत है, सारी टीमों के लिए। यस, तो उसमें कुछ हमने ग्राउंड पिन पॉइंट किए हुए हैं। बाकी जो है शानी भाई ने फौरन से मुंह उधर कर लिया है कि अब ये भाई जो है, शानी भाई से रिक्वेस्ट करेंगे ना, इतना खूबसूरत रिजॉर्ट इन्होंने, शामिल है, अरशद है, जलाल भाई है, शान है, शान खान किधर है, वो शर्माए उधर बैठे हैं, लेट आए हैं ये, और 11 हंक्स के नाम से। हाँ,
11 हंक्स के नाम से ये हमारी टीम है और इसमें असद मलिक भी हैं, बस वो कुछ वजूहत की बिना पे आ नहीं सके हैं। बाकी समर अब्बास हैं एंकर, काशिफ अब्बासी हैं, उसके अलावा भी काफ़ी लोग थे जो अभी आ नहीं सके हैं, आसिम भाई हैं, कांगा आसिम भाई, और बस देखें इंशाल्लाह ताला ये कारवां। सर ये सारा खुद हमने किया है, अभी तो फिलहाल कोई भी नहीं है। सर अभी तो फिलहाल क्रिकेट ही है और डिफरेंट सिटीज़ में जाके। अच्छा मेन जो है हमारा वो है स्पॉन्सर्स, कि हमें डिफरेंट टीम्स को, जैसे कराची शोबिस को स्पॉन्सर है, लाहौर शोबिस स्पॉन्सर्ड है, तो इसी तरह हम चाह रहे हैं कि हमें भी एक अच्छा एक स्पॉन्सर मिले, जिसकी वजह से हमारी टीम जो है वो अपने पैरों पे, क्योंकि इट्स लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी और शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। थैंक्स टू यूसुफ और मेरे ख्याल से वो, हाँ यूसुफ और न्यूट्राफिट्स और फ्यूमे हाई के नाम से ये कंपनी है जिन्होंने अभी हमें स्पॉन्सर किया है हमारी पूरी किट, और वो किट भी हम आपको दिखाते हैं अभी। बाकी शामिल भाई, अभी शामिल भाई डायरेक्ट, हाँ जी, नहीं ये पैसों का नहीं है, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ आपको बताते हैं क्या है बेसिकली, जो पाकिस्तानी टीम है वो प्रोफेशनल्स हैं, हमारी जो शोबिज की टीम है वो बेसिकली ये है कि फन एंटरटेनमेंट, इट्स फन एंटरटेनमेंट कलेबरेशंस, और जिस तरह बाहर के लोग आते हैं उनके साथ मिलके कलेबरेट करना, या शहरों में डिफरेंट शहरों में जाके कलेबरेट करना, बेसिकली वो इसका काम है। बेसिकली मतलब हम बहुत सीरियस, इसमें क्रिकेट नहीं होगी, इसमें एम्बेसडर्स होंगे, एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे, बेसिकली ये है इस क्रिकेट का मकसद।